मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और बाग लगाने पर किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। बागवानी को अपनाकर किसान अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। बागवानी खेती का ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर प्रदेश के किसान खुशहाल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बागवानी विभाग के माध्यम से कई तरह की योजनाएं चला रही है जिसका उद्देश्य सूबे के किसानों की आय बढ़ाना है। बागवानी विभाग की योजनाओं के तहत बाग लगाने पर किसानों को 70% तक सब्सिडी दी जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। बागवानी विभाग की योजनाओं के तहत अमरूद, किनू और बेर के बाद हाइब्रिड सब्जियों, सब्जी बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन और संरक्षित खेती पर अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके अलावा बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से सब्जियों और बाग पर भी प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए बागवानी विभाग के बीमा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हरियाणा सरकार निरंतर बागवानी को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बागवानी की फसलों के क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके तहत 1763 गाँव में 393 बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। सभी क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक FPO का गठन किया गया है। इसके अलावा हर क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस भी स्थापित किए जा रहे हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग नीति भी बनाई। इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से किसानों को उनकी पैदावार की लाभकारी कीमत मिलेगी। इस नीति के तहत लगभग 94 करोड़ रुपए की राशि से कुल 33 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और लगभग 116 करोड़ रुपए की लागत की 44 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, जो इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी। ये उसके पीछे एक हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हमारे जो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो फसल समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ये भी हरियाणा में 1763 गांव में 393 बागवानी फल समूह, इनकी पहचान की गई है। हम FPOs अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बना रहे हैं। 1000 FPOs बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 700 के आसपास FPOs ये बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक FPO में 300 किसान ये सदस्य होते हैं, तो ये भी हमारी योजना रहेगी कि हम लोग जो अपना अपना FPO बनाया है अच्छी बात है, जिन्होंने अपना FPO भी नहीं बनाया है वो भी अपने आसपास के किसानों को इसमें शामिल करें और सभी की आय बढ़े। ये एक परोपकारी काम भी हमको आगे बढ़ करके करना चाहिए। हम सीधे प्रत्येक क्लस्टर में जो बनाए गए हैं उसके अंदर आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन और इसी प्रकार से बागवानी उपज के लिए मार्केटिंग और किसान को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस, ये भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर भी हमने 33 परियोजनाओं पर 94 करोड़ रुपए लगा करके इसको पूरा कर लिया है। लगभग 116 करोड़ लागत की अन्य 44 परियोजनाएं ये अब स्थापित की जा रही हैं, जो वर्ष के अंत तक ये पूरी हो जाएंगी। इतना ही नहीं, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने सब्जियों और फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इसमें बाजार में फलों और सब्जियों के भाव में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त किया गया है। इसमें 21 बागवानी फसलों के
संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल खुद किसानों के हित का ध्यान रखते हैं। यही वजह है कि खेती बाड़ी को लेकर हरियाणा के किसानों की सोच अब बदल रही है और परंपरागत खेती को छोड़कर हरियाणा के किसान अब मुनाफा देने वाली फसलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और प्रगतिशील बन रहे हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सुनील कुमार हैं, जो सोनीपत के गांव मछोला में बागवानी के तहत बेर की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुनील कुमार बताते हैं कि वो पहले गेहूं और धान की परंपरागत खेती करते थे, जिसे छोड़कर उन्होंने बेर का बाग लगाया और बेर की कई किस्मों को उगाकर लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। वहीं सुनील नाम का ये किसान बेर को सब्जी मंडी में ना बेचकर खुद ही फल बेचने वालों को पैकिंग में सप्लाई कर रहा है, जिसके चलते इसको अन्य लाभ भी मिल रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने बड़े भाई की सलाह पर 2020 में बेर का बाग लगाया था और हर साल अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इसके साथ विदेशों में भी बेर सप्लाई करने की योजना बनाई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। आपने जो ये बाग लगाया है बेर का, कब शुरुआत की थी और कहाँ से सोच के इसकी शुरुआत की? इसमें मेरे बड़े भाई डॉक्टर नरेंद्र ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये बाग लगाया जाए और इसको मैंने 6 जून 2020 को लगाया और पिछले साल भी बेर की हार्वेस्टिंग करी है। मेरे पास 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटियों में एक कश्मीरी एप्पल बेर है, एक बाल सुंदरी है और एक माधोपुर वैरायटी है। कहाँ सप्लाई होता है ये? मैं पानीपत में जो अच्छी अच्छी फ्रूट्स की दुकान हैं और मॉल्स वगैरह हैं और जो ये यहाँ पे अपने कुंडली के पास जितनी भी सिटी हैं वहाँ से डिमांड आ रही है। जैसे जैसे ऑनलाइन भी करता हूँ और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाते हैं तो मैं वहाँ सप्लाई कर रहा हूँ इनको। का विदेश में बेचने की कोई शुरुआत है वो आपने की है क्या सुनील जी? हाँ जी, अगले साल जैसे 3rd ईयर में ये 1 क्विंटल से ऊपर एक पेड़ पे हो जाता है, तो अभी ये प्लान है कि यूट्यूब चैनल बना के और हम विदेश में भी अपना बेर सप्लाई कर पाएंगे। प्रगतिशील किसान सुनील कुमार ने बताया कि 2.5 लाख रुपए खर्च कर 6 जून 2020 को उन्होंने बेर का बाग लगाया था, जिसके बाद पहले ही साल में लागत की रिकवरी हो गई थी। अभी तक कितने लाख रुपए की लागत से आपने ये बाग लगाया था और कितने दिन में तैयार हुआ? ये 6 जून 2020 को लगाया था, जिसमें 2.5 लाख रुपए लग गए थे जैसे बाउंड्री करी और जो ये पेड़ मंगाए थे, लेकिन पहले ही साल में फरवरी मार्च और अप्रैल 3 महीने होते हैं जिस टाइम पे बेर टूटता है, तो पिछले साल ही हमारी रिकवरी हो गई थी और अब की बार मिनिमम से मिनिमम कम से कम 10 लाख रुपए का बिजनेस है ये। 3 महीने की खेती होती है? जी, 3 महीने की खेती होती है और फिर बाद में इसको नीचे से बिल्कुल काट दिया जाता है, टहनियाँ दोबारा आ जाती हैं। जैसे 6 होती हैं तो 6 से 12 हो जाती हैं, 12 से 24 हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेर का बाग पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जो पूरी तरह गाय पर आधारित है। बेर के बाग में वो गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई भी कीटनाशक और दवाई का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने बताया कि बेर के बाग में गाय की गोबर की खाद और मलमूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। वहीं अब वो अन्य फल की खेती के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। क्या ऑर्गेनिक है पूरा? हाँ, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हमारे पास यहाँ हमने खेत में गायें भी रख रखी है, उसका गोमूत्र और गोबर और वेस्ट डिकम्पोजर और जो ये जड़ी बूटियों से जो दवाई बनती हैं आकटे वगैरह से, मेरे भाई डॉक्टर हैं वो बनाते हैं, हम उसी का स्प्रे करते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं हम। सेफ्टी के लिए वो टोकर भी लगा रखे हैं? हाँ जी, फल मक्खी के लिए हमने बॉक्स भी लगा रखे हैं, जिससे मक्खियाँ भी मतलब फल को ख़राब नहीं कर पाती हैं। प्रगतिशील किसान सुनील कुमार ने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती के बजाय किसान भाइयों को बागवानी अपनानी चाहिए, जिससे अच्छा मुनाफा होता है।
क्या मानोगे, क्या संदेश देना चाहोगे युवा है जो धान और गेहूं की फसल करते हैं उसे? अच्छा, परंपरागत खेती जो है उसे? नहीं, परंपरागत खेती में भी जैसे मैंने कम से कम 20 एकड़ में धान की फसल करता था पहले, लेकिन कुछ नहीं, लास्ट में कुछ नहीं बचता था। अब जैसे मैंने ये एक ही एकड़ में लगाया है, तो एक ही एकड़ में मान लो 2 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपको उसके 10 लाख रुपये मिल जाते हैं एक सीजन पे। तो आप कोई भी फसल लगा लो, गन्ना हो, बागवानी की तरफ युवा बढ़ते जाने, और बीच बीच में हम जो जैसे परंपरागत खेती से जो पैसा आता था, इसके बीच में जैसे हमने धनिया लगाया था और आलू लगाया था, तो उतना पैसा तो उसी में से आ जाता है और बाग का अलग से रह जाता है। प्रगतिशील किसान सुनील कुमार ने परंपरागत खेती को त्याग कर फलों की खेती करने की सोच पर अमल किया और उन्होंने 1 एकड़ में बेर का बाग लगाकर अपनी कमाई को एकदम से दोगुना कर दिया। प्रगतिशील किसान मजदूरों के साथ मिलकर फल को तोड़कर बाजार तक पहुंचाते हैं और इनकी मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं। हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंचे और पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़ा हर किसान खुशहाल बने, इसी उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित में कल्याणकारी फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से कृषि के क्षेत्र में हरियाणा दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है और देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है।